राशन के बैग पर नवाज शरीफ की तस्वीर का मामला, हुकूमत पंजाब मुश्किल में पड़ गई। लाहौर हाईकोर्ट ने बड़ा एक्शन ले लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने रमजान राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर हटाने की दरख्वास्त पर समाप्त की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से वकील सलमा रियाज ने दलाइल दिए। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौकफ अपनाया कि सरकारी खजाने को जाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस तरह आटे की तकसीम शहरियों के वकार के मुनाफी है। दरख्वास्त गुजार ने अदालत आलिया से इस्तदा की कि राशन बैग पर कायद नून लीग की तस्वीर शाया करने से रोका जाए, आटे की तकसीम के लिए शहरियों की इज्जत नफ्स मजरूह न करने का हुक्म दिया जाए। पंजाब हुकूमत को बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए रकम शहरियों के घरों में पहुंचाने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने रमजान पैकेज राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी, तहम पंजाब हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दूसरी जानिब हुकूमत पंजाब के इंतजामी इजलास को मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुनक़िद करने के इकदाम को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है।